और सभी अधिकारी कर्मचारी थाने में बैठे होते हैं, देखिए क्या बात करते हैं। तो आप लोगों के सामने पेश है जिला जालौन का थाना। तो तुम यहाँ के कौन हो? आई एम चौकीदार। तुम्हारा नाम क्या है? धनी राम पासी खाते हैं बासी लगाते हैं फांसी। चुप! साले फांसी की बात करते हो? तुम्हारी लाठी वाठी कहाँ है? अभी अभी यहाँ मड़पा होने लगा था सर, अभी देखा नहीं तुमने? अभी अभी मड़पा होने लगा था, तीन लोगों को मैंने तीन लठ कस दी, एक लोग मेरी लाठी लेकर भाग गए सर। एक चौकीदार होते हुए तुम्हारी लाठी गायब हो गई जी। तुम्हारा साफा कहाँ है? बच्चे ने पेशाब कर दिया था, धोबी के यहाँ डाल दिया धुलने के लिए सर। साफा धुलने के लिए डाल दिया जी सर। चौकीदार जी, थाने में कुल मिलाकर कितने सिपाही हैं? यहाँ 13.5 सिपाही हैं। 13.5 जी। ये आधा कहाँ गया बे? आरके तिवारी गायब बोलियो साहब, आधे उनका हम आधे सर। यहाँ का हवलदार कौन है? ये हवलदार है जाना साहब, झुग्गीलाल हटेला। झुग्गीलाल हटेला जी। वो ड्यूटी पर कितने समय आता है? सुबह के 1 बजे। सुबह के 1 बजे जी। की दोपहर में 1 बजते थे? नाक पकड़ो चाहे नकुना पकड़ो, दिन भर में 1 कोई नहीं, 2 बजे की 4 नहीं बजे। लेकिन यहाँ की ड्यूटी तो 8 बजे से शुरू हो जाती है। लेकिन वो लेट के आवत है। लेट में आता है कि? हाँ लेट के आवत है। लेट में आता है, हाँ लेट के आवत है। ठीक है, उसे आने दो, आज उससे हम बात करेंगे। आते होंगे सर। हेलो, हेलो। और आगे गोपाल यादव रोशनलाल पुरवा 50 रुपया का चंदा दिए हैं, धन्यवाद। हेलो। ओ गौने की रात दुखदाई हो, गौने की रात दुखदाई हो, सैया हीरे ना बोली। ये तुमने किस तरह से नेकर पहन रखी है? कोई इस तरह से नेकर पहनता है? तेरे दोनों पैर एक में हो गए हैं, एक साइड वो खाली हो गई है, कोई इस तरह से नेकर पहनता है? इसे उतार कर ठीक से बना जी। तो तुम्हारी नेकर कभी रुकती नहीं है जी। क्यों नहीं रुकती है?
अदरी देत पटक दे हो घीमा के हुक टूट गया। हुक टूट गया जी। अगले में अगले महीने में तुम्हें नई वाली लेकर दी गई थी, वो क्या किया? ऊका धरे जा भाई भाई नातेदारी जाए रिश्तेदारी जाए थे। वो किस लिए? घीमा हुआ आदर सम्मान हो स्वागत हुआ कि नई नेकर पहन के आए हैं। ओ तो नई नेकर पहन करके मेहमानी को जाते हो जी, ताकि वहाँ पर आदर हो जी, सम्मान हो जी, स्वागत हो जी, और फटी पुनारी पहन करके यहाँ खाने को आते हो। तो यहाँ रोज ही चल जाते हैं। चलो तुम्हारे नेकर में ना तो चैन है ना बटन वगैरह है, ये सामने सब चले खुला खुला दिखाई दिया करता है। तुम्हारे नेत खुदे नहीं दुरुस्त है, क्यों बे? 24 घंटा तुम्हारी निगाह यही ऊपर रहा था। ड्यूटी ड्यूटी होती है जी, पर ये बात तुम्हारे भेजे में कभी नहीं आएगी, साला बेवकूफ कहीं का। क्यों, क्या बात है? आज तेरे बात करने का तौर तरीका कुछ अलग नजर आ रहा है। तरीका वही तेरे बात कर रहे हो, क्या बात है? तनख्वाह नहीं दवा पाओ और कौन बात है? तुम्हारी तनख्वाह बाकी पड़ी है? और का कितने महीने की? 6 महीना हो गई, 1 रुपया नहीं मिला है। ओ माय गॉड, माय गॉड का तुम सब जने अपन अपन खर्चा चला रहे हो, कब इनके बारे में सोचे हो? तनख्वाह हमारे घर से रोज फोन के ऊपर फोन आवे, रोज हमका जवाब दिए पड़े थे। अभी परसों हमारे मेहर हुआ फोन की कहीं मेरे प्रमाण पत्र दे स्वामी जी, आप 5 साल हो गए मेरा गौना लेकर आए हो, आप उसी दिन से ड्यूटी पर चले गए, लौट के घर का नहीं आए हो, मैं यहाँ पर 5 बच्चों की माँ बन चुकी, छठा बच्चा होने वाला, कृपया करके कुछ पैसा वगैरह भिजवाने का कष्ट करें। कैसी बातें कर रहा है तू? 5 साल पहले तू अपनी बीबी का गौना लेकर के आया था जी, तब से घर को तो वापस गया नहीं? वही कहाँ गया? अब तो तेरी बीबी से तेरी मुलाकात भी नहीं हुई होगी। तुमका मुलाकात करी है भाई, हम शकल नहीं देखा कौनी दिन का है। तूने उसका चेहरा भी नहीं देखा? नहीं देखा। जब 5 साल में तेरी बीबी से तेरी मुलाकात नहीं हुई है, नहीं हुई, तूने उसका चेहरा भी नहीं देखा है? नहीं देखा। तब वो 5 बच्चों की माँ कैसे बन गई बे? कैसे बन गई? तो हम नहीं देखा, हमारी चिट्ठी पत्री तो जात है। ओ चिट्ठी पत्री से बच्चे पैदा होते हैं? मान लो चिट्ठी पत्री से नहीं हुए तो कुछ गांव राम मेहरबानी, कुछ ऊपर वाले मेहरबानी, और इमा फर्क है कौन है? हम तो सोचे हाथी घूमे गांव गांव जी कहे हाथी के नाम चले, नाम के लिए मरते हो? नाम की दैया तो मौज रखाए घूमी थे, वहाँ सोची राय साहब तनखेवा जवा दे, तुम तो जानत दूधी लौंडा सयान है। अच्छा? और दूधी बतोहे जवानी है। अच्छा? तो दोनों लौंडे साले उठाई गई ठहर के साहेब। हाँ दोनों बतोहेवा हमारे माथे तो है, मतलब दोनों बहुओं का खर्चा तुम ही चलाते हो? तो का करी साहब, दोनों को हम ही चलाते हैं। क्या चीज खर्चा? तो काल संजय छोड़ गए बतो, ये फोन की गई पप्पा यू बतो, तुम बड़का ही दीदी ले रहा हो, उनका कब ले रहा हो? क्या चीज उनके नैहरे में रहा रहा का बड़ा लगता, ले दिन पाल बनवा दिन और कौन चीज। अच्छा तो हाँ तो उनका वही फोन पर समझावा, हम कहा देखो मुनिया हूँ परेशान न करो भाई, अब किला जैसे महीना ही तुम्हारे नंबर है। कैसा बेवकूफ सिपाही है तुम्हें, तुझे अपनी बहुओं से बात करने का तौर तरीका नहीं मालूम है? कोई इस तरह से अपनी बहुओं से बात करता है? तुझे सिर्फ यही कहना था कि देखो बहू, जिस तरह से मैंने बड़ी बहू के लिए एक गहना खरीद दिया है, उसी तरह से तुम्हें भी खरीद कर दे दूंगा बस। और 6 महीना हो गए तनखा नहीं दिया, मोबाइल में ठंडे पैसा टायरी पर नहीं बात अधरी लंबी करे, तो हम सोचे जौले पूरी बात बताओ पर अब पैसा वो पीछे खत्म हो जाए, हम कहें मुनिया तुम परेशान न हो, अब किला जैसे महीना ही तुम्हारा नंबर है। फिर वही बात, आज का पूरी बात हो गया, 25 पैसे बच गए, 25 पैसे बच गए। तो फिर कहे ना हमारा तनखा दे, अबे तनखा देने का मैंने ठेका ले रखा है क्या? कहे काम तुम्हारे करी तनखा का, गांव वाले देगा हम लोग तनखा कहे ना दो ना दे, वो तो फिर अपने लग से हमका 500 दियो के गलियो बाद में काट लियो। क्या चीज हमारी तनखा में गए आओ, या तो फिर धनी पुलिस खड़ी कोई से हमका दवा दे के पीछे दे दियो। क्या चीज तनखा जब हमारा रहता हो और कौन चीज। जितनी चिंता तुझे तनख्वाह खाने की पड़ी रहती है, उस तरह से तू कभी ठीक से ड्यूटी नहीं करता है। तुम कब ठीक से हमसे करवावत हो क्या ड्यूटी? एक नहीं कह दिया तो तुम जिंदगी भी याद करियो। ड्यूटी करोगे जी? साला बेवकूफ कहीं का, जब देखो इमरजेंसी में तुम्हारा कोई ना कोई खर्चा निकल आता है जी। ठीक है, अगले महीने में 30 तारीख को इन लोगों की तनख्वाह बांटी गई थी, इन लोगों के पास से ले लो, उसके बाद में तुम इन्हें वापस कर देना। वापस न करो लईमार समझोगा? तुम साले महा लईमार हो, जिसका ले लेते हो दोबारा वापस देने का नाम नहीं लेते हो। मल्ली तनख्वाह रोके पड़े हमारे एक गठहर रखा दे दे। अबे मैं तनख्वाह देने का ठेका ले रखा मैंने, काहे काम तुम्हारे करी तनख्वाह का, गांव वाले देंगे। हम लोग गवर्नमेंट के नौकर हैं,
तो का हिया गवर्नमेंट नहीं का आवत कि चलो रोड पर मनई लड़का लहाज रखो कहूं पे डकैती पर के हुआ चलो मार पीट होइगा हुआ चलो रात दिन तुम हमका लड़ी कर ले गैया दौड़ा दौड़ा फिरत साला कथा कही का चौकीदार आ गए हो जी सर नहीं जाने दो जी सर हाँ ऐसे बोलो मेरी जान हम साले जान जान मेहरबान हम सुने की तुम भैया परसों तनखा पाए हो जी और पाए हो तो हम का दे दियो देखे साहेब से तुमका हम पीछे के दबा दियो पीछे के पीछे के साहेब तनखा यार वह बात है हम समझा दो असल बात ऐसा है हवलदार तुम थोड़ी जत्ती भर थोड़ा देर कर लियो बस काहे पर समय हमरे हिया लौंडे मेहरबा पैदा भा जाऊ ना पैसा रहा सब अस्पताल में जमा कर देना एक पैसा नहीं रहेगा काय भैया का बताए मेहरबा के लौंडा पैदा भा किम लौंडावा मेहरबा पैदा भा साले कहीं लड़का के मेहरबा पैदा आउट आउट राणे कपूर मेरा नाम राणे कपूर है हां भैया समझे राणे कपूर नाम है क्या बात सर हम सुने तुम परसों तनखा पाए लो हम का दे दे के साहब से पीछे दबा दिया तनखा मिले थे तो खर्च हो गए एक रुपया दे दे बोनी करा दे जब है ना तो का दे दे सर चलो फिर घुसो कहां कमरा ऐसे साले सिरदे सिपाही भर्ती हो गई थाने में जहां पे कहूं भैंसी चरावर रहे हैं मुसरा जी मिश्रा जी कहते हैं मिश्रा के बारे में ना बताओ फिर मिश्रा का बड़ुआ कहां था क्यों कोई जात नहीं हुआ था अच्छा मिश्रा में मिश्रा बताइए दुबे दो जने कहां चवारी तीन जने कहां सुगला सात जने कहां हमका ना बताओ अच्छा जात के बारे में बहुत मालूम है अपन काम बताइए काम का हम सुने तुम परसों तनखा पाए हो और पाए हो तो लोग हमका दे दियो देखे तुमका हम समझ लेबे क्या चीज जैसे हम भईबे तुमका दे दिया बहुत कौन चीज हमारे पास ने सर तुम्हारे लगे नहीं जी हां सर चलो फिर घुसो कहां को कमरा में तो शकिल कहते हो आउट आउट यू देखो सर के जैसे जहां पर जूता का तल्ली आया ऐसे साले सिरदिन से पाला पड़ गया है कुमारी अनीता जी क्या सर लो रिसीव दियो क्या डंडा बेल्ट कैप वर्दी कल मेरी बहन की चौथी थी सारा पैसा उसमें खर्च हो गए चौथी जी अब पचाई कब हुई चौथी नहीं मालूम है हमारे भाई हिंदुओं में नहीं जाने मिले थे तुम कटुई ना होगा चलो घुसो फिर क्या कमरा में थाने में बोला करो तुमसे बेकार मांग ली हम तुमका पहले से जाने दे रहा है गांड छोड़ बर्तन नहीं ऊपर ढक कर नहीं घुसो कमरा में वारे थाना वारे पुलिस वारे साहेब बाबा का तुम अहू जौने मनाइन से बता दियो कि परसों तनखा पाए नहीं ले लियो ई बंजे खुदे टका टका कहानी बरा हमका कहा अरे 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 इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ 1 रुपया कोई लगे नहीं तुझे बात करने की तमीज नहीं है तनखा का बनानी भरी जा वो लेडीज पुलिस ऑफिसर है तू इस तरह से उससे बात करेगा उसके पास होगा तब भी वो तुझे देगी नहीं जहां पर मूड ना खराब कर भाई बात अबे तू पढ़ा लिखा नहीं है क्या अंगूठा टेक है अंगूठा टेक है यस मैडम मैं तुझे मैडम नजर आ रहा हूँ अरे मैडम तेरे साइड में खड़ी है जब तू अंगूठा टेक है तब तुझे नौकरी कैसे मिल गई तेल लगा इतनी पढ़ाई लोग करते हैं
फिर भी उन्हें नौकरी नहीं नसीब होती है और तू कहता है कि तेल लगाने से नौकरी मिल गई है। तेल लगाने से अच्छे अच्छे काम बन जाते हैं। कौन सा काम बन जाता है? वर्दी मिली हमको, तेल लगा तो मिली, इसे अच्छा हमका कौन काम मिली? पहले हम वन विभाग बना ही रहे हैं। ये तुझे वन विभाग नजर आ रहा है? नहीं नहीं, ये लोग तुझे लकड़ी काटने वाले नजर आ रहे हैं। मुँह तो वैसे है, मैं तुझे फॉरेस्टर नजर आ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग। हाँ यार, ये रिकॉर्ड में नहीं रहना। मैं तेरा यार हूँ, एक मिनट में सस्पेंड कर दूंगा। दिल्ली तक पहुँच है, मिलाएगा योगी नानक फोन। फोन मिलाएगा? अपनी पहुँच दिखा रहा है? मेरे पास मोबाइल है, मुंबई आम का मोबाइल वाला लगा। साला बेवकूफ कहीं का। तो तेल लगाने से तुझे वर्दी मिली है? हेलो, और कन्हैया लाल भाई जहाँ कहीं बाबू लाल से मुलाकात कर लीजिए, बेचैनी से इंतजार सामने कर रहे हैं। धन्यवाद, 10 रुपए दिए हैं। वो कैसे बेचैनी का है, इंतजार कर रहे थे। मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना बता। तेल लगाने से तुझे वर्दी कैसे मिली है? तेल लगाने का है, पहले हम भंडारी रहे थाने के। वैसे तू भंडारी जैसा दिखता भी है। पहले थाने भंडारी रहे साहब, जो तुमसे पहले आ रहे तिवारी जी रहे बड़े साहब। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उनके हम सबका खाना खवा छुट्टी पाई रहा है, लेकर करूँ तेल जुटिया जाए रहा है मालिश करने के लिए। मालिश करेगा पहले जैसे कहा है, तेल लगे कम से कम 6-7 साल तेल लगाए साहब। उसके बाद जब रिटायर हुआ ला कहीं देखो भंडारी तो बाबा बड़ी सेवा करे हो और तुमका कुछ ना कुछ बना देता कि लड़का बच्चा तुम्हारा सकून से जी सके। उन्हें तेल लगा के नौकरी जगह पढ़े लिखे कहाँ उठाटे हम साहब। अच्छा अच्छा, तो तेल लगाने से तुझे ये नौकरी मिली है? यही आने, ये मेरा तकिया कलाम है सर। तेल लगाना तेरा तकिया कलाम है? हमारे साथ भंडारी उदिया बैठे रामनाथ उदिया, वो तो पुराने हैं अमरनाथ चाचा जी। अमरनाथ पहले स्थानीय में वही खाना बनाते थे। हाँ, उनके बाद हम ही नहीं आए। अच्छा, उनके बाप तो उनका बाप है? नहीं, हमारे बाप। तो ऐसा क्यों नहीं बोलता है साला बेवकूफ कहीं का? अरे तुझसे बात करते करते तो मेरे सर में दर्द होने लगा है। पागल हो गए हो, तेरे पैर पे बंदूक भगते हो तो आगे कर, हर छोड़ लगा पीछे का खड़ी हो। शहर में तो खड़ी थी, एक टिकिया खावा लियो, एक टिकिया तुम खा लियो। टेबलेट रखता है? हाँ साहब। आर के तिवारी, एक ग्लास पानी लेकर के आओ, मुझे टेबलेट खाना है। एक बात बता, कौन सी टेबलेट है? माला डी। सर दर्द में माला डी की टेबलेट खाता है? हाँ, हमसे एक दिन एक पत्ता ही मंगाई ना, इनका मूड विराल कहीं, हमसे मूड विराल ले आयो, हम ले आन बस वहाँ हम खाए लागे। कथा है क्या, मर जाएगा किसी दिन? काहे मर जा? ये टेबलेट सिर्फ औरतें खाती हैं, औरतें। औरतें काहे खाता है? ताकि उन्हें बच्चा ना हो और वो स्वस्थ रहे। तब तो आपको खाना चाहिए। जाना। बहुत तफड़ी कर ली है तूने, आज मैं तुझे काम बताऊंगा। काम करे वाली मशीन हमारे लगे ना, इनके लगे हैं। तो हमेशा ड्यूटी पर लेट भी आता है और आता है तो बकवास किया करता है। लेट में आता है मतलब देर से आता है। तुझे तो इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है कि हम लोगों के ऊपर कितना दबाव पड़ता है। देख, प्रेस वालों ने हम लोगों के बारे में क्या छाप कर निकाला है कि गलियों में निकलना मुश्किल हो गया है। गली गली चलो, हारे हार निकल चलो। तेरे ये बात, इस इलाके में डाकू 16 और जागीरा ने बहुत आतंक मचा रखा है। डाकू 16 के डर से सारी जनता यहाँ की परेशान हो गई है। वो आए दिन किसी का मर्डर कर देते हैं, दिन दहाड़े का कटिया डाल देते हैं। इससे सारी जनता उन लोगों से परेशान है। हाई कमान से आदेश आया हुआ है कि जितनी जल्दी हो सके डाकू 16 और जागीरा अरेस्ट होना चाहिए। अगर वो दोनों अरेस्ट नहीं हुए तो हमारी और तुम्हारी वर्दी लफड़े में आ सकती है, हमारी तुम्हारी वर्दी भी उतर सकती है। इसलिए हमें हर हाल में उन्हें अरेस्ट करना होगा। गवर्नमेंट की तरफ से उन दोनों डाकुओं पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया है। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, तू मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दे रहा है। तुझे कोई बीमारी है क्या? हर बात में जी, हर बात में जी, अबे गधे है क्या? हर बात में जी, अबे जी का ठेका लेकर मैदा हुआ क्या?
तो तुम का गा कही तुम बताओ, जब तुम हमसे बड़े हो साहब, तुम्हारा हौदा बड़ा है होता क्या? हाँ, स्टार पिल्ले लाख हमारे एक को नहीं लाख, जब तुम हमसे बड़े हो तो तुम का हम साहेब जी जी ने कही तुम्हारा तुमका बहनी महतारी करिए कही तुम बताओ का कही। इस बार अगर तेरे मुंह से आवाज निकली तो मैं तेरे मुंह में डंडा डंडा चला दे तो हम मुहे न खोलब, चाहे जो बक्को बोलबे न कर, मुहे न खोलब डंडा का चलाई हो, चाहे जो बक्को इशारा में बात कर बोलबे न कर। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस इलाके में डाकू सोला और जागीरा ने बहुत आतंक मचा रखा है, उन डाकुओं को हमें हर हाल में गिरफ्तार करना होगा। उन डाकुओं के खौफ से यहाँ की सारी जनता परेशान हो गई है। अगर वो दोनों डाकू अरेस्ट नहीं हुए तो हमारी और तुम्हारी वर्दी लफड़े में आ सकती है, क्योंकि वो डाकू इतने शातिर हैं, दिन दहाड़े डकैती डाल देते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करना जरूरी है। अगर वो दोनों गिरफ्तार नहीं हुए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमारी वर्दी उतर जाएगी। मैं तुझसे बात कर रहा हूं, तू मेरी बात पर कोई उत्तर नहीं दे रहा है, ये क्या है, ये क्या है? अबे गूंगा है क्या, तेरे मुंह में जुबान नहीं है? है नहीं का यार, अबे कहीं जाए साहब जी, जाए जी तो तुम यार अपने बताओ मुंह में डंडा कोड़ दे। अबे तुम तुमसे नहीं बोली तो तुम काहे अपने पीछे पड़े हो यार, हम गरीब आदमी तो उनका परेशान करो, तो इनका सारे लेकर सुनता उनका कुछ नहीं कहा, जिनसे कुछ नहीं पूछा तो यार कहीं जाता ना वही तनखा ज्यादा ले इनका, है सबसे ज्यादा तनखा तो तुम लिए, तो ये जात नहुरा और करे जाकर इनका मुंह देखो जाकर इनसे कुछ नहीं पूछा सका जगह वही पाजी नहीं जा रहे हो यार, तो हमारे पीछे पड़े हम तुमका कुछ कहीं रहे तुम बता रहे हो ऊपर से आदेश आया है, हम कहे ना साहब जी तुम बता रहे हो ऊपर से आदेश हम डाकू चोर राजा गिरा पकड़ा जाम का राजा भी गए, तो तुम का क्या कही यार, तुम हमारे पीछे पड़े कौन डंडा मुझ पर कौन दिया बोल भाई, तो और न बोलो तो तुम हमका मुझे नहीं पाई नहीं महाता है तो साला पागल कहीं का। जिस तरह से तेरा नाम सुना था कि तेरा नाम झुग्गी लाल हटेला है, उसी तरह से तेरा तार भी हट गया है। मंत्री जी ने 70 करोड़ रुपए गरीब जनता के लिए भेजा है, उन रुपयों को हमें हर हाल में इलाहाबाद बैंक तक पहुंचाना है। मैं जानता हूं कि तुम लोगों में से ऐसा कोई जाबाज पुलिस ऑफिसर नहीं है जो कि वो 70 करोड़ रुपए इलाहाबाद बैंक तक पहुंचा सके। यह भैंसी चराने वाली पुलिस न पहुंचाए पाए, ये लोग तुझे भैंसे चराने वाले नजर आ रहे हैं। कुछ ऊपर से पुलिस बलुआ जो छंजनाई हुआ कहाँ चितकबली चितकबली, वो कौन सी पुलिस है? पियासी पुलिस। पियासी नहीं तो भूखी, उसे पियासी कहते हैं। वहाँ बलुआ वहाँ ले जाए रुपया, हम ना ले जाए। झुकीलाल अगर हम लोग पीएससी को बुलवाएंगे तो फिर हमारे डिपार्टमेंट का नाम बदनाम हो जाएगा, हम जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन 70 करोड़ रुपए इलाहाबाद बैंक तक जरूर पहुंचाएंगे। मैंने सुना कि एक जाबाज पुलिस ऑफिसर जो कि अपनी जान की बाजी लगाकर हर हाल में अपने मकसद में कामयाब हो जाता है, वो है इंस्पेक्टर अजय सिंह। इसलिए तुम जयपुर थाने का नंबर लगाओ और इंस्पेक्टर अजय सिंह को आने का आदेश दो। समझ गए ना?